विमोहितो अयम जनो ईशो मायाया तदीयया त्वं न भजता भजति अनत्तद्रिक् सुखाय दुःख प्रभवेषु सज्जते गृहेषु जोषित पुरुषश्च वञ्चितः विमोहितो अयम जनो ईशो मायाया तदीयया त्वं न भजति अनत्तद्रिक् सुखाय दुःख प्रभवेषु सज्जते गृहेषु जोषित पुरुषश्च वञ्चितः। गौड़ीय गोष्ठीपति श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद परमहंस जगत गुरु जी ने बताए, अदक्ष जो भगवान का सेवा कोई नहीं करना चाहता है और बिना बुलाए माया का सेवा करने के लिए सब खड़ा है। गौड़ीय गोष्ठीपति श्रील भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद परमहंस जगत गुरु जी ने बताए, अदक्ष जो भगवान का सेवा कोई नहीं करना चाहता है। गौड़ीय गोष्ठीपति श्रील भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद परमहंस जगत गुरु जी ने बताए, अदक्ष जो भगवान का सेवा कोई नहीं करना चाहता है और बिना बुलाए माया का सेवा करने के लिए सब खड़ा है। किसी भी हालत से माया का संग से छुटकारा मिलना संभव नहीं है। एकमात्र वास्तविक रूप से साधु संग होने से ही होता है। एकमात्र वास्तव साधु संग होने से ही संभव होता है, बाकी कुछ नहीं। हम लोगों को जानकारी है, हम लोग जानते हैं ये धरती पर रहते समय अप्राकृत जगत का जो साधु संत है ये लोगों का साथ हमारा मिलन बहुत रेयर मुश्किल से होता है। फिर भी प्रभुपाद जी ने कहा, यद्यपि ये पृथ्वी में ये धरती पे अपराकित राज्य का शुद्ध गुरु वैष्णव का साक्षात्कार यद्यपि लाभ करना मुश्किल है, फिर भी महाप्रभु का समय महाप्रभु का साथ जो अपना भक्तोंगणों का चर्चा बातें और इनके लीला सेवा का भाव ये नित्यकाल विराजमान है। गौरंग महाप्रभु का जो इटर्नल पार्षद नित्य पार्षद है ये लोगों का साथ महाप्रभु का बातें, फिर इसके बाद सेवा का भाव लीला कथा सब सिच ग्रंथ रूप में नित्यकाल विराजमान है। चैतन्य श्री चैतन्य भागवत श्री चैतन्य चरितामृत इत्यादि, इसीलिए पोपा जी ने बताया हम लोगों को हिम्मत हारने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि नित्य जगत में ये लोग विराजमान हैं। हम लोग अगर भगवान का कथा लेके व्यस्त रहे तो जरूर हम लोग का मंगल होना ही है। किसी किस्म का समस्याएं कुछ नहीं कर पाएगा, किसी प्रकार का असुविधा हम लोग को स्पर्श नहीं कर सकता।
भगवान का इच्छा का अनुसार जहाँ भी हम रहे वहाँ ही अगर भगवान का कथा चर्चा करें भगवत कथा, तो संसार का जितना सारे बातें हैं, जितना सारे क्रियाकलाप है, इन सभी में हम लोग अगर भगवान की कृपा, भगवान की स्तुति और भगवत भक्ति का कथा अनुभव कर सके तो कोई मुसीबत खड़ा नहीं हो सकेगा। कोई मुसीबत खड़ा नहीं हो सकेगा इनके सामने। भगवान की इच्छा का अनुसार हम कहीं भी रहे लेकिन भगवान का कथा कीर्तन लेके अगर व्यस्त रहे तो सांसारिक जो बातें हैं, सांसारिक बातें हैं, ये रुक जाएगी, सांसारिक कथा रुक जाएगी। यत्रोत्तम श्लोक गुणानुवाद यत्रोत्तम श्लोक गुणानुवाद यत्रोत्तम श्लोक गुणानुवाद प्रस्तूयते ग्राम्य कथा विघाता यत्रोत्तम श्लोक गुणानुवाद प्रस्तूयते ग्राम्य कथा विघाता निषेव्यमानम अनुदीनम मुमुक्षुर्मतिम सतीम यच्छति वासुदेव। भगवत जी महापुराण का ये बात है, जहाँ भगवान का कथा चर्चा हो रहा है वो गाम्य कथा रह नहीं सकेगा, रुक जाएगी गाम्य कथा, ये स्वाभाविक नियम है। भगवान भक्तगणों को जिस अवस्था में रखकर सुखी होता है, जिस अवस्था में रखकर भगवान संतुष्ट रहता है, भगवान का जो विधान है इसी अवस्था में रहकर हर वक्त खुश रहना चाहिए, जो तुलसीदास जी ने बताए, जय विधि राखी राम तय विधि रही हो, जय विधि रखी राम तय विधि रही हो, सीताराम 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 कही हो। जिस अवस्था में भगवान रखे ये तत्वनुकंपा अनुभव करने से सारे समस्या का समाधान हो सकता। साधु संग और हरि कथा चर्चा करते करते हृदय में भगवान का सेवा का प्रवृत्ति का उन्मेष होने से हर हालत में हर अवस्था में भगवान का हरि का स्मरण रहता है, हर वक्त स्मरण। हम लोगों को परीक्षा करने के लिए भगवान इच्छा करके छुपे रहते हैं, हम लोगों को परीक्षा लेने के लिए भगवान हर वक्त छुपे रहते हैं, हर घटना का पीछे, हर घटना का पीछे अगर भगवान का कृपा का दर्शन करें, हर घटना का पीछे अगर भगवान का कृपा देख, भगवान का कृपा देखने सीखे तो हम लोगों का कोई दुख ठहर नहीं सकेगा। हर हम लोगों को परीक्षा के लिए भगवान इच्छा करके छुपे रहते हैं, इच्छा करके हर घटना का पीछे भगवान का कृपा महसूस करने से कोई दिक्कत नहीं रहेगी, कोई दुख नहीं रहेगी। भगवान का परीक्षा, भगवान
हम लोगों के लिए एक परीक्षा स्थल है, भगवान परीक्षा का एक स्थान बनाया पृथ्वी। असार संसार खलु दुख स्वरूप विमुख श्रुत कश्य धनम कश्य स्नेहवान जनते अनिशम। भगवान ये परीक्षा का व्यवस्था किया है, जगत परीक्षा का स्थल है। ये परीक्षा में उत्तीर्णो ये परीक्षा में अगर कोई पास करना चाहता है ये परीक्षा में अगर कोई पास करना चाहता है तो इनको विशुद्ध गुरु वैष्णव का पास हरि कथा सुनना है। ये नियम है, हरि कथा सुनते सुनते भगवान का स्वरूप का ज्ञान, भगवान का धाम नाम परिकर वैशिष्य सब कुछ का संबंध ज्ञान परिस्फुट हो जाए और हम लोग को अनुभव में आ जाएगा। सिद्धांत तो बोलिया चित्ते ना करो अलस, यहां होते किसने लागे सुधीर मानस। सिद्धांत तो बोलिया चित्ते ना करो अलस, यहां होते किसने लागे सुधीर मानस। हमारा चर्चा का विषय जो है ब्रह्म संहिता, ये सिद्धांतों का राजा है, इसीलिए महाप्रभु दक्षिण भारत से उठा के लाए। मतलब ब्रह्म संहिता का कीपा मिलने से, ब्रह्म संहिता का कीपा मिलने से सारे तत्व ज्ञान हृदय में परिस्फुटित हो जाए। और संबंध ज्ञान का परिस्फुटन होने का बाद भजन में मन लगे, इसलिए गौड़ीय सिद्धांत में लिखा हुआ है सिद्धांत तो बोलिया चित्ते ना करो अलौस, सिद्धांत तो बोलिया चित्ते ना करो अलौस, यहाँ वही किसने लागे सुधीर मानस। सिद्धांत तो ज्ञान होने से भगवत चरण का साथ मेरा संबंध ज्ञान हो जाएगा, हो जाए, और संबंध ज्ञान होने से भजन धकाधक आगे बढ़ेगा। पिछले हफ्ता चर्चा करते हुए यहां तक आए थे ब्रह्म संहिता का, वो क्या है, वो है भाग ये ब्रह्म संहिता का 16 नंबर श्लोक जो है यहां आया, अर्थात सृष्टि तत्व कैसे गर्भोदो गोसाई महाविष्णु से सतरज तमगुण का अधिदेव रूप विष्णु प्रजापति रुद्र का उदय होता है। इसके बाद जीवों का सृष्टि और संबंध, बाद में आगे चलकर हम चर्चा करेंगे विष्णु नाभि पद्म में, विष्णु का नाभि कमल में ब्रह्मा का उदय, सृष्टि वासना ब्रह्मा का कृष्ण सान्निध्य में ब्रह्मा जी का कृष्ण सान्निध्य में काम बीज और कृष्ण मंत्र लाभ किया। हम लोग 16 नंबर श्लोक का चर्चा करते हुए बताया था अहंकारात्मकं विश्वं तस्मात् एतत् बजायत। अहंकारात्मकं विश्वं तस्माद एतद् बजायता,
अर्थात इसका माने क्या है, बोले तस्मात, इसीलिए तस्मात कस्मात न तस्मात, तस्मात माने से शुंभु से, जो अहंकार का अधिष्ठात्री देवता है ये तस्मात, ये शंभु से अर्थात अहंकारात्मक स्वरूप से एतद विषम बजायत उत्पन्न हुआ है। इसका माने क्या है ना, जीवों का संबंध में, जीवों का संबंध में शंभु शंकर का क्रिया यही है, यो इसी शंभु से अहंकारात्मक विश्व का उत्पन्न का विषय में बोला गया। इसका माने क्या है, शंभु का पीछे कौन है, शंभु का पीछे कोई है ओरिजिनल जो सदाशिव, इसका पीछे कोई है, बोले पहले तो बता दिया ये महाविष्णु और इस सदाशिव एक ही है, अलग नहीं, फिर भी महाविष्णु को महाविष्णु से सदाशिव है, महाविष्णु से कैसे होता है ये सब हमने बताया था, महाविष्णु से कैसे कैसे होता है इसका बारे में बताया था। ऊपर गोलोक धाम में चतुर्भुहो, फिर वसुदेव प्रद्युन्न शंकरसन अनिरुद्ध, ये शंकरसन से फिर वैकुंठ जगत में चतुर्भुहो, ये चतुर्भुहो का अंदर में, ये चतुर्भुहो का अंदर में हमने बताया था, चतुर्भुहो का अंदर में ये भी वसुदेव अनिरुद्ध शंकरसन वसुदेव शंकरसन वसुदेव प्रद्युन्न शंकरसन अनिरुद्ध ये सब बताया था चतुर्भुहो। कहने का मतलब है ये जो शंकरसन है यहाँ से महाविष्णु है, जो कारण कारण सागर में चिन्मय जलराशि, कारण बारिधि, बारिधि मतलब समंदर, कारण बारिधि कारण समंदर में जो सोया हुआ है वो महाविष्णु, जिसका बारे में हमने बताया था, जो सोई को निशेषित काल मथावलंबो जीवंतिलोम विलजा जगदन्नुनाथा विष्णु महान स इहो योश कला विशेषो गोविंद मादि पुरुषम तमाम भया। फिर यही महाविष्णु का रोम रोम में अनंत ब्रह्मांड है, कोई शेष नहीं है, अनंत ब्रह्मांड का रोम रोम में, अनंत ब्रह्मांड जो है महाविष्णु का रोम रोम में विराजमान है। और ये कारणवसाई विष्णु हर एक एक ब्रह्मांड में प्रविष्ट होकर गर्भदगोसाई विष्णु का नाम लेता है। फिर गर्भदगोसाई विष्णु, इसका बारे में तत्व ज्ञान होना जरूरी है, नहीं तो तत्व ज्ञान में अगर कुछ कमी रह गया तो मुश्किल है। सिद्धांत तो बोलिया चित्त ना करो अलौस या वही कृष्ण लागे सुधीर मानोस, ये दूसरा एक रास्ता भी है, तत्वज्ञान जाने ना जाने कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी हालत से कृष्ण से प्यार हो गया, काला मानिक से किसी भी हालत से प्यार हो गया, जैसे हून पुलिंदो
सब नीचु कुल का जो ये लोगों का कोई तत्व का ज्ञान नहीं था, फिर भी हो गया प्रेम तो हो गया। और हमारा इधर विधि मार्ग का तत्व ज्ञान हो, सिद्धांत विचार पक्का हो जाए, फिर आगे चल पड़ गए। तो गौरवोदय साहिब विष्णु रूप में विराजमान, फिर क्षीरोदय साहिब विष्णु सर्वजीव अंतर्यामी परमात्मा के रूप में विराजमान हैं। मूल श्लोक में इतना ही मूल जो श्लोक है, अहंकारात्मक विश्वम तस्माद एतद् बजायत, ये जो अहंकारात्मक विश्वम विश्व ये शंकर शंभु से ही उत्पन्न हुआ है, अहंकारात्मक विश्व, क्योंकि वह अहंकारात्मक विश्व इसलिए है कि हर कण कण में यहां अहंकार विराजमान है। मूल तात्पर्य ये है, जो मूल तत्व है शिव तत्व का मूल तत्व, पहले जो हमने बताया था विष्णु, ये विष्णु मूल तत्व में अर्थात भगवत तत्व में पृथक अभिमान शून्य सर्वसत्वमय, ये जो मूल तत्व है, मूल तत्व का अंदर में मूल तत्व भगवत तत्व में पृथक अभिमान सुनो सर्वसत्वमय, इसमें कोई पृथक अभिमान नहीं है, बिल्कुल अभिमान नहीं है, सर्वसत्वमय, उसमें कोई रजतम गुण का कोई टच नहीं है। और मायिक जगत में जो विभिन्न अभिमान रूप लिंगों का तो चिन्हों का पृथक सत्ता का उदय, मायिक जगत में जो विभिन्न अभिमान रूप लिंगों का तो चिन्हों का पृथक सत्ता का उदय होता है, वो कैसे होता है? ये जो होता है ये एक विशुद्ध सत्ता का ही मायिक प्रतिफलन, ये कैसे होता है न, ये शुद्ध सत्ता का मायिक प्रतिफलन जो है, एवं यही आदि शंभु का रूप में, आदि ऊपर आदि शंभु का रूप में माया देवी का विकार रूप मायिक जन्यात्मक आधार तत्व के मिलित तो होता है। उसी समय शंभु केवल द्रव्य बुहात्मक उपादान तत्व मात्र, ध्यान दे, उसी समय शंभु केवल द्रव्य बुहात्मक उपादान तत्व मात्र, क्योंकि सृष्टि रचना के लिए उपादान और निमित्त कारण दोनों ही जरूरी है। दोनों ही जरूरी है, निमित्त कारण और उपादान कारण। और फिर जिस समय तत्व विकास होते होते अर्थात महत्त्व का धीरे धीरे डेवलपमेंट होते होते अनफोल्डिंग होते होते, ये जो आपका महत्त्व का परिस्फुटन धीरे 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 क्रम मार्ग में जो परिस्फुटन हो रहा है, कैसे उसमें से सत्वरजतम गुण उत्पन्न हुई, सतगुण का विकार कैसे हुए, रजगुण का तमगुण का विकार होते होते जो सृष्टि आत पंचतत्मात्र पंच इंद्रियो बहुत सारे चीज ये जो हो रहा है, इसका बारे में बताया गया जे
जिस समय तत्व विकास होते होते क्रमे प्रत्येक ब्रह्मांड प्रकाशित हो जाता है और हर एक ब्रह्मांड में गर्भोदय गोसाई विष्णु रूप में भगवान विराजमान, ठीक उसी समय भ्रूदेश आईब्रो दोनों भ्रू का बीच में से जातो शंभु तत्व ब्रह्मा का कुरुचादेश बोलता है, उस समय तत्व विकास होते होते प्रत्येक ब्रह्मांडों का प्रकाश दिखाई पड़ता है। उस समय भ्रूदेश कुरुचादेश भ्रूदेश जातो शंभु तत्व में भी विकास रूप रुद्र तत्व का उदय स्वाभाविक है, होता ही है। जो भी है मूल तत्व हो या तो भ्रूदेश अर्थात कुर्चा देश से उत्पन्न जो शंभु तत्व जो भी है समझ, हर हालत में हर अवस्था में शंभु तत्व हर्वदा अहंकारात्मक तत्व, शंभु तत्व का ऐसा ही है नियम। अंतर में भोले बाबा परमंश है लेकिन फिर भी बाहर में शंभु तत्व हर अवस्था में भी हर अवस्था में ही अहंकारात्मक। यद्यपि भागवत जी महापुराण में आता है निम्नगानम यथा गंगा देवानम अच्युतो यथा वैष्णवानम यथा शंभु पुराणानम तीदम भागवत, पुराणानम तु इदम भागवतम। जब शंकर भगवान इच्छा करके तमगुण का अधिष्ठात्री भगवान के इच्छा के अनुसार अपना इच्छा मिला दिया और अहंकारात्मक तमगुण का कारण बन, तमगुण का अधिष्ठात्री देवता बन गया। देखने में बाहर में अज्ञान है, तामसिक है, भयंकर राजसिक भी है, ये सब मिलावटी, लेकिन असली बात तो ये है निम्नगानम यथा गंगा देवानम अच्युतो यथा वैष्णवानम यथा शंभु पुराणानम त्रिदम भागवत, ये पक्का बात। शंभु तत्व हर हालत में शंभु तत्व अहंकारात्मक हर अवस्था में, परमात्मा का चित किरण से उदित होकर चितकण अनंत जीव समूह अपने को भगवत दास ऐसा अभिमान अगर करे, परमात्मा का चितकन से उत्पन्न होते हुए ये चितकन अनंत जीव समूह अपने को भगवत दास अभिमान करे और अगर समझ ले कि मैं भगवत दास हूँ तो माइक जगत के साथ इसका संबंध नहीं रह सकता और नहीं रह सकता। ये लोग वैकुंठ का तत्व बन जाता है, ये लोग वैकुंठ को तो हो जाता है, वैकुंठ में चला जाता है। इसी अभिमान को अगर भूल गया, इसी अभिमान को अगर किसी भी हालत से भूल गया, भूल के माया का भोग माया का गुलामी करना चाहता है, अगर धनम दे ही जन्म दे ही यशो दे ही दिशो जो ही हमको कामिनी कंचन दे दे, अच्छा जगह सुंदरी से सब कुछ कर दे है विवाह आदि, ये सब धनम दे ही जन्म दे ही ए सुंदरी भारजा दे ही सब कुछ दे ही दे ही। जब
मैं कृष्णदास हूँ ऐसा भूल के जो माया का भोक्ता माया का मालिक बनना चाहता है, माया का भोक्ता बनना चाहता है, इस समय शंभु का ये जो अहंकार तत्व ये लोगों का सत्ता में प्रविष्ट होकर अपना अपना एक एक पृथक परिचय अभिमान से अभिमान को उजागर कर देता है। पृथक तत्व का उत्पत्ति माने शंकर तत्व अल्टीमेटली हर व्यक्ति अपना अपना हिसाब का अनुसार अहंकार का अनुसार जो अपना एक अलग सा स्थिति समझना चाहता है अनुभव। ये जो मैं कृष्णदास हूं ऐसा भूल कर जब माया का भोक्ता बनना चाहता है उसी समय ये शंभु का ये अहंकार तत्व है तामसिक ये सब जीवों का सत्ता में प्रविष्ट होकर ये लोगों को अलग अलग सा आइडेंटिटी अलग अलग सा पृथक भक्तित्व तत्व करके देता है। इसीलिए हमारा ये पृथ्वी में जगत में इतना भोक्ता है, सब दिन रात केवल ये भोग का विचार है, दिन रात भोग छरकर छोड़कर उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, बिल्कुल दिन रात यही एक ही बात है। कौन कितना रुपया पैसा धन दौलत कामिनी कांचन कौन कितना एंजॉयमेंट हासिल कर सका, कौन कितना वैभव को प्रकट कर सका हासिल कर सका, यही ये लोगों के लिए बड़ा बात है। ये लोग भूल ही जाता है कि हम लोग को मरना है, ये लोग भूल ही जाता है। माया का इतना सुंदर प्रभाव है, माया का इतना सुंदर प्रभाव है, माया का इतना सुंदर प्रभाव है, जबरदस्त प्रभाव, हर व्यक्ति भूल जाता है जब मैं भगवान का दास हूं, भुला देता है, याद रहने नहीं देता। सो ये जो शंभु तत्व है ये अहंकारात्मक विश्व इससे ही उत्पन्न हुए। जीवों का माइक देहात्मो अभिमान का मूल तत्व है ये संघ। यही नियम है। और धीरे धीरे साधु संग करते करते ये अभिमान बिल्कुल खत्म हो जाता है। इसका बाद का श्लोक है 17 नंबर का, अथो त्वयि स्त्रीविदोईर वेशोर लीला मद्बहत किल योग निद्रा भगवती स्तशो हरिरीव संगता। क्या बताया? अथो माने इसका बाद, इस बारे में चर्चा करने के बाद अभी ये सवाल आता है, ये विचार आता है, क्या क्या विचार आता है? अथो त्वयि स्त्रीविदोईर वेशोर लीला मद्बहत किल योग निद्रा भगवती तस्यो श्रीरीव संगता। अथो त्वयि स्त्रीविदोईर वेशोर लीलानु उद्वाहत किल योग निद्रा भगवती स्तस्यो श्रीरीव संगता।
इसका माने क्या है ये अनंतर इसका बात तमाम दुनिया अनस्टेबल है, मैं भी जाने वाला हूं, कोई रुक नहीं सकता इस जगत में, ये जगत ऐसा ही है, आओ और चले जाओ, हम लोग गेस्ट है, वी आर ऑल गेस्ट हियर। जो वसुदेव जी महाराज जी को नारद जी ने बताया था, स्त्री पुत्र बंधु संग महा पांत संग महा, स्त्री पुत्र बंधु संग महा पांत संग महा अनुदीन अभ्यंते ते स्वप्नो निद्रा नुगो यथा, पिता भाई बंधु पत्नी बच्चा सब, ये रिलेशन तो है ही है, ये शंभु तत्व के द्वारा ही प्रकटित है, मेरा बच्चा है, मेरा मुकान है, सब कुछ ये शंभु तत्व के द्वारा ही प्रकटित। सच पूछो तो हमारा अंदर में अगर बिल्कुल कुछ कामना वासना नहीं है तो कोई कुछ करेगा क्या? कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं है कामना वासना, कुछ नहीं है, कोई कुछ कुछ करना चाहेगा क्या? कुछ नहीं करना चाहिए, कुछ करना नहीं चाहेगा। ये अभिमान जो है, अहंकार है, मैं हूं, मैं इतना पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होल्डर हूं, है डॉक्टरेट हूं, मैं साइंटिस्ट हूं, ये जो अभिमान, ये अभिमान के द्वारा परिचालित होकर सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। हैरान की बात है, एक आदमी जिंदगी भर है, एक आदमी जिंदगी भर अपना चूल काटते काटते आदमियों का मतलब नापित है नैया, पूरा जिंदगी वो चूल काटते काटते जवानी सब चला गया, पूरा बुढ़ापा। कोई आदमी ऐसा है ग्रोसरी शॉप में बैठा हुआ है, वो चाल डाल नापते 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 उसका बुढ़ापा आ गया, उसको कोई जानकारी है नहीं, चुपके से कैसे कैसे उम्र बीत जाता है वो समझ नहीं देते भगवान। नशे में सब है, कोई ना कोई नशा तो है ही है चढ़ा हुआ। अब भजन का अगर नशा हो तो अच्छा है। मैंने देखा है एक आदमी टैनिंग माने स्किन का चमड़ा का वो जो पक्का करना, वो पूरा ये करते करते जिंदगी गंवा दिया। कोई चूल काटते काटते आदमियों का बस अपना जीवन समाप्त हो गया। अद्भुत चीज है, जिसको जिस काम में भगवान कर्मफल का अनुसार लगा दिया, भूतों का मापी को उसी काम में लगा हुआ है, अपना स्वरूप का अनुभूति नहीं है, कुछ अनुभूति नहीं है। एक कहानी आदि हो गया, एक आदमी एक बड़ा फैक्ट्री का मालिक है, बड़ा फैक्ट्री का मालिक है बालीगंज का किसी, बालीगंज तो बड़ा जगह है, तिलजोला ये भी बालीगंज है, जैसा कैलकाटा केमिकल्स का फैक्ट्री है, किसी एक जगह बालीगंज में एक आदमी का बड़ा फैक्ट्री है, और किसी साधु गौड़ियों साधु इनके पास उत्सव का लिए चंदा उठाने गए, भिक्षा करने के लिए गए। उन्होंने बोला देखो महाराज हमारे पास समय नहीं है, आपको क्या चाहिए बोलो अब ले जाओ। बोले देखो हम तो दो चार बातें करना चाहिए, हमारे पास टाइम नहीं है, आप कुछ क्या चाहिए बोलो अब ले जाओ, हमारे पास समय नहीं है, समय नहीं है। हमारा नियम है
किसी के किसी से कुछ लेने का पहले कुछ देना पड़ेगा। कुछ दिए बिना अगर लेके आओ ये नियम नहीं है। जिस आदमी से कुछ माधुकरी करना है उसका मंगल करना है, मंगल नहीं करने से होगा नहीं। अगर वो कुछ लेना नहीं चाहे तो उससे भी कुछ लेना नहीं चाहिए, मुश्किल हो जाता। पोपा जी ने ये विचार दिखाया। अब 5-7-8 साल बाद यही ब्रह्मचारी उसी रास्ते से चल रहा था। कहा जाने कोई आदमी एक ग्रोसरी शॉप से बुलाया, महाराज जी क्या बात है, कौन बुला रहे? नजदीक गया, आप कौन हो? हमको पहचान नहीं सका। नहीं, आप कौन है? अरे बैठिए तो सही। बैठाया, बैठा लिया। बोले महाराज मैं वही आदमी हूं जो फैक्ट्री का मालिक था। फैक्ट्री का जो मालिक था वही मैं आदमी हूं। हाँ आप वही हैं? बोला हाँ, जो आपने चंदा उठाने गए थे, हमने बोला था मेरा पास कोई समय नहीं है, आपको जो लगे ले जाओ। डायरेक्टर था ना, मैं मालिक था। अब सब गायब हो गया, सब गायब। ऋण मतलब इतना पैसा उधार लिया इधर उधर से, लेकिन सारे पानी में गया सब। और नौकर चाकर अकाउंटेंट सब ने चोरी किया। अब बात यही अंतिम में निश्चय लिया कि हम अपना मकान का नीचे ये दुकान खोल के बैठ गया। अब मेरा पास बहुत समय है, अब अगर कुछ कहना चाहो तो कहो। आदमी का इतना अभिमान है, मेरा पास टाइम नहीं है, ऐसा बोलता है। तो फिर क्या हुआ बाद में हमने देखा, ये जो अथो त्वेष त्रिविद्वैर वैश्वैर लीला मुद्वहत किलो योग निद्रा भगवती तस्सो श्री रीव संगता। पहले श्लोक में आपका याद है कैसे कैसे हमने बताया था, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, याद है ना? 15 नंबर श्लोक से बताया था, वाम अंग्यात असृजत विष्णु, दक्षिण अंग्यात प्रजापतिम ज्योतिर्लिंगमयम शंभुम कुर्चो देशाद अवासृजत। यही महाविष्णु सिंहो कारण और नमसाई, महाविष्णु अपना वाम अंगों से विष्णु को, दक्षिण अंग से प्रजापति हिरण्यगर्भ नामक प्रजापति, हिरण्यगर्भ नामक प्रजापति और कुर्चदेश और अर्थात भ्रूद्वय का मध्यस्थल से ज्योतिर्लिंगमय विष्णु शंभु का आविर्भाव हुआ। मूल में तो विष्णु है ही है। तो यही विष्णु पालन करता प्रजापति सृष्टि करता, भगवान खुद ही, भगवान स्वयं खुद ही विष्णु रूप पकड़ करके पालन करते रहते सृष्टि का, और ब्रह्मा रूप पकड़ करके, ये प्रमाण है शास्त्रों में बहुत प्रमाण है। भगवान ने बताया मैं ही विष्णु रूप पकड़ के जगत का पालन पोषण, और ब्रह्मा रूप पकड़ करके जगत का सृष्टि, और शंभु रूप लेकर मैं जगत का विनाश, ये तीन काम ये चलता है।
महाविष्णु का विभिन्न अंश है, ये जो शंकर ब्रह्मा महाविष्णु का विभिन्न अंश, लेकिन ये जो विष्णु तत्व है जो हमने बताया कर्णनवसायु महाविष्णु अपना बाम अंग से विष्णु का उत्पत्ति, दक्षिण अंग से प्रजापतिम, ये प्रजापति जो हिरण्यगर्भ, ये हिरण्यगर्भ प्रजापति जो हर ब्रह्मांडों में एक एक ब्रह्मा है, इनके आदि कारण हिरण्यगर्भ प्रजापति। और कुर्चा देश भ्रुद्वय का मध्य संसे ज्योतिर्लिंगमय शंभु ओरिजिनली, ठीक है, ज्योतिर्लिंगमय सनातन सनातन शंभु का अंश विशेष ज्योतिर्लिंगमय शंभु असुजत। तो महाविष्णु का विभिन्न अंश है शंकर ब्रह्मा, ये महाविष्णु का, और ये प्रजापति और शंभु ये महाभूत विष्णु का विभिन्न अंश। अतः आधिकारिक देव विशेष शिव शक्ति को वाम में रखना जरूरी है, रखते हैं, शिव शक्ति वाम में रहती है, इसलिए महाविष्णु चित शक्ति शुद्ध सत्व से उत्पन्न वाम अंग में विष्णु का उदय होता है। विष्णु ही ईश्वर रूप प्रत्येक ईश्वर का अंतर्ज्यामी परमात्मा, वेदों में जिसको अंगुष्ठमात्म पुरुष बोल के वर्णन सुना जाता है, यही पालन करता, परमात्मा का रूप में पालन करता। कौर्मी लोग जिनको योगेश्वर नारायण बोल के पूजा करते हैं, योगीगण जिसको परमात्मा बोल के ध्यान करके समाधि लगाना चाहता है, और आगे का श्लोक 16 नंबर में अहंकारात्मक विश्व कैसे हुआ शंभु से, इसका भी निर्णय किया है। अथोस्त्वय लिंगोर विविधोर शैलीर लीला मुद्बहत किलो योग निद्रा भगवती तस्यो श्री रीव संगता। अथो त्वय त्रिविधोर वेशोर अथो त्वयी श्रीविधोर वेशोर लीला मुद्बहत किल योग निद्रा भगवती तस्यो श्री रीव संगता। अनंतर यही महाविष्णु भगवान हर ब्रह्मांड में प्रवेश, भवन भवन ब्रह्मांड में भगवान ब्रह्मांड प्रविष्टो ब्रह्मांड प्रविष्टो विष्णु प्रजापति शंभु, ये तीन वेश धारण कर पालन सृष्टि और संहार लीला करते रहते हैं। यही लीला विचार का अनुसार जोड़ियो माइक अंतर्गत, यही लीला, ये जो शिष्य स्थिति पालन विष्णु प्रजापति शंभु, ये जो त्रिविध वेश धारण करकर सृष्टि संहार और पालन, जो लीला पालन सृष्टि और संहार, ये तो जोड़ियो माया का अंतर्गत है। सो तुच्छा बोल के भगवान का निज सत्यारूप विष्णु शिवचित शक्ति का अंशभूता सर्वानंद समाधिमयी भगवती योग निद्रा का साथ संग करता है। अब समझा नहीं, ये जड़ जगत का ध्यान दे, पूरा इजीली इसको समझने का कोशिश करें। ये जो पालन सृष्टि और संहार, ये तो है ही है जड़ जगत का माया का अंतर। सो विष्णु कैसे डायरेक्टली माया का सत्संग करे, संभव नहीं, जबकि ब्रह्मा और शिव तो सांश विभिन्न अंश है। ब्रह्मा रजोगुण में विभावित हो
और शंकर तमगुण में विभावित हो, इसलिए तो इसके लिए तो कोई असुविधा नहीं है, ये तो कर सके। इसलिए महाविष्णु आंखें बंद करके जोगोनिद्रा का साथ, ये जोगोनिद्रा का मीनिंग है। आदमी सोचता है कि भगवान ने सो गया, भगवान ने सो गया, जड़ जगत में निद्रा बोलकर एक चीज है जिसको तमगुण माना गया। जड़ जगत में निद्रा बोलकर एक चीज है जिसको तमगुण माना गया। अर्जुन ने इन निद्रा को जय कर लिया, इसलिए अर्जुन का नाम गुराकेश। जो भगवान है ये भगवान का तमगुण रहना संभव नहीं है, तो भगवान का जोगनिद्रा इसका जरूर कुछ इनर मीनिंग है। बाहरी विचार में लगता है कि भगवान सो गया, जोग है। भागवत जी महापुराण में जोग माया समावृतम बहुत सारे भागवत जी महापुराण में भी है। तो ये जो पालन सृष्टियों संहार, ये तो जोड़ियों माया का अंतर्गत है, सो तुच्छा, ये बड़ा सामान्य है, तुच्छ है। इसलिए भगवान इसी में कैसे जोड़े, अब जोड़ना भी जरूरी है, नहीं जोड़ना भी जरूरी है। भगवान अगर ना जोड़े तो पालन कौन करेगा, सो अति तुच्छा। इसीलिए भगवान ने काम किया, क्या किया भगवान ने, अपना जो सत्यारूप विष्णु शियो चित शक्ति का अंश संभूता स्वरूपानंद समाधि मोही भगवती जोग निद्रा का साथ संगो करते। इसका माने क्या है, माने ये है, इसका तात्पर्य ये है, विभिन्न अंश को तो भगवान विष्णु का विभिन्न अंशगत प्रजापति और शंभु, ये दोनों ही भगवत तत्व से पृथक अभिमान रखने के कारण वशत चित शक्ति का छाया का साथ, अर्थात चित शक्ति का छाया जो है, चित शक्ति का छाया दोनों रूप पकड़ के शियो शियो, एक सावित्री एक उमा, चित शक्ति का छाया विशेष जो है ये ब्रह्मा जी का पत्नी शक्ति सावित्री, और शंकर का शक्ति उमा रूपा अपरा शक्ति के साथ विलास करते। विष्णु ही एकमात्र चित शक्ति रूपा रमा का बस्त्री का श्रीयपति, ये तो विभिन्नांश नहीं है ना, ये महाविष्णु का सांश है, ये भी विष्णु है। तो सृष्टि करने का समय में क्या होता है, इसका बारे में बताया गया, शिशिक्षयात शिशिक्षयाम ततो नाभिस्तस्यो पद्मम विनिर्जजो। सृष्टि करने के लिए शिक्षिक्षयाम ततो नाभिस्तस्यो पद्मम विनिर्जजो तन्नालम हेमनलिनम ब्रह्मणो लोकम अद्भुतम। क्षीरोद गोसाई विष्णु का सृष्टि करने का इच्छा होने का कारण इनके नेवल स्टेम से नाभि पद्म से एक स्वर्ण वर्णों एक पद्मों का उत्पन्न हुआ। हेमनलिनम पद्मम, हेमम हेमनलिनम पद्मम, सुवर्ण वर्ण एक पद्मों का जन्म हुआ है। विनिर्जयो मैंने उत्पन्न हुई, तन्यालम इनका जो नाल स्टेम जिसको अंग्रेजी में स्टेम बांग्ला में डांटा, यही
ये जो नेम है स्टेम है यही ब्रह्म का 14 भुवन का स्थान है, इसी का अंदर में 14 भुवन का स्थान है। आई बात समझिए, नाल सुवर्ण पद्म ही ब्रह्मा का आवास स्थान रूप ब्रह्मलोक व सत्यलोक। यहां जो स्वर्ण सोना लिखा है ये सोना चांदी ऐसा मत समझो, स्वर्ण माने चिदाभास, जैसे सूरज किरण सोने का वहां भी दिखता है, तात्पर्य में लिखा है ये जो स्वर्ण शब्द लिखा है हेम नलिनम, ये जो स्वर्ण शब्द लिखा है इसका नाम है चिदाभास, इसका नाम चिदाभास है। से शिक्षायाम ततो नावेहेस्तशु पद्मं विनिर्जजौ तन्यालम हेमनलिनम ब्रह्मणो लोकमद्भुतम। ये एकोमोडेशन है 14 भुवन का, यही है आश्चर्य चीज, सृष्टि का रहस्य का बारे में बताते चल रहे हैं। जीव गोस्वामी पाद जी ने टीका भी लिखा है, जीव गोस्वामी पाद जी ने टीका भी लिखा है इसका ऊपर, सुंदर बड़ा अद्भुत विषय है। जीव गोस्वामी पाद जी ने लिखा है ततश्च शिक्षिक्षयाम इति नालम नालयुक्तम तत् हेम नलिनम ब्रह्मणु जन्मो शयनयो स्थानात लोक इति अर्थ, अर्थात ये एकोमोडेशन है, इसी में ब्रह्मा अपने को आविष्कार किया नाभि कमल का अंदर में, और जो स्टेम है ये सारी जगह एकोमोडेशन है, 14 भुवन का, 14 भुवन का ये एकोमोडेशन है, यही समझ लो। और स्वर्ण बोले से सोने नहीं, सोने का मापिक तन्यालम हेम नलिनम, या तात्पर्य में लिखा है स्वर्ण शब्द में चिदाभास, स्वर्ण शब्द में चिदाभास की ब्रह्मा और 14 भुवन सारे जड़ जगत ही माना जाता है, इसलिए चिदाभास बोलने से आइडिया क्लियर होता है। चिदाभास चिद नहीं है, ये तो 14 भुवन का अंदर है ना, ये ब्रह्मा से लेकर 14 भुवन, 7 ऊपर भू रूप स्व मौजन तपस्व सब है, और इसका नीचे अतल बीतल तलातल रसातल पातल ये सब नीचे जे जा रहे हैं, सुतल ये जो है नीचे है, ये 14 भुवन ये कभी भी अप्राकृत जगत नहीं है, अप्राकृत जगत है, मैटर मेटेरियल जगत है। इसके बाद 19 नंबर श्लोक में बताया तत्यानि पूर्वाणूणानि करुणानि परस्परम समोबाया प्रयोगात् च विभिन्नानि पृथक पृथक चित्सक्त्या सज्जो मानो अथो भगवान आदि पुरुषः जो जयन मायाया देवो जोगो निद्राम अकल्पयत। क्या बताया, तत्यानि पूर्वारूढ़ानि करुणानि परस्परम समोबाया प्रयागत प्रयोगात् च विभिन्नानि पृथक पृथक चित शक्त्या सज्जमानो अथो भगवान आदि पुरुषः जो जयन मायाया देवो जोग निद्राम अकल्पयत।
Abhi, ejo khiti apo tej marudbam. Khiti apo tej marudbam, pancho chiz hai. Khiti apo tej marudbam. ए है फिर इसका बाद सृष्टि महत्त्व से विभाग ऊपर कैसे सत्रह जो तमगुण शतगुण से आधिकारिक देवता रजगुण से कर्मेंद्रियो ज्ञानेन्द्रियो फिर तमगुण से जो सब उत्पन्न है ये जब दो जो जो सब जो उत्पन्न है उत्पन्न होने का बाद इसका मिक्सिंग जरूरी है माने सृष्टि होने का बाद एक दूसरे का साथ मिक्सिंग मिलित होकर सृष्टि प्रपंच रचना में देवर ऑल फेलियर ये लोग फेलियर हो गया। इसके बाद क्या हुआ इसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ भगवान का सहायता मिला भगवान को प्रार्थना किया कि आप कृपा करो भगवान कह रहे तो सब कुछ दे दिया महातत्व से लेकर सब आधिकारिक देवता पंचोगेंद्रिय पंचोकर्मेंद्रिय फिर पंचोतन्मात्रो पंचभूत सब तो दे दिया क्यों नहीं हो रहा है बोले सब सब है लेकिन हम लोग एक दूसरे का साथ मिलित होकर विश्व प्रपंच रचना में असमर्थ है आप थोड़ा सहयोग कर दे पंचीकरण मतलब मिक्सिंग पंचीकरण का पूर्व में मूलभूत सकल रूर भाव में भिन्न भिन्न रूप में पृथक पृथक था मूलभूत सकल पंचभूत या सब अलग अलग सता एकत्रीकरण मतलब इसको हार्मोनाइज करना समवाय और ड्यू टू लैग ऑफ हार्मोनाइजेशन अप्रयोग ये कर नहीं सके इसलिए प्रपंचों में सब कुछ भगवान दे दिया भी नहीं होगा एकत्रीकरण जिसका नाम है समवाय जिसका नाम है हार्मोनाइज ये इसका अप्रयोग के कारण इसका कारण है आदि पुरुष भगवान महाविष्णु शिवचित शक्ति संघ के द्वारा माया को संचालन पूर्वक समवाय प्रयोग के द्वारा हार्मोनाइज करने का विषय लेकर ये पृथक पृथक तत्वों को एक साथ संयोग करके पंचीकरण कर इस सृष्टि का निर्माण में सहायता किया और ये करने का बाद ये करने का बाद भगवान तो किसी भी हालत से इस जड़ जगत का साथ जोड़ने का कोई सवाल ही नहीं आता भगवान भगवान प्रकृति का परे तत्व है हरिर् निर्गुणो साक्षात पुरुष प्रकृति परे है ये प्रकृति का परे तत्व है ये क्या करे इन्होंने सृष्टि निर्माण सहायता कर दी बाद में नॉट टू गेट इन टच डायरेक्टली विथ माया विश्व प्रपंचों में रहते हुए भी भगवान का साथ विश्व का प्रपंच का कोई संयोग नहीं है होते हुए भी नहीं जैसे महाप्रभु जी ने उदाहरण दिया जैसे पंचभूत आपका अंतर और बाहर हर जगह में है अंतर में है ना पंचभूत अंदर में भी है बाहर में भी है अंदर में भी है बाहर में भी हर जगह है फिर भी पंचभूत का एक स्पेशल स्थान भी है ना इसीलिए महाविष्णु सारे क्रियाक्रम में सहयोग करने के बाद उन्होंने निर्णय लिया स्वयं चित शक्ति संभोग रूप जोग माया रतो हो गए उन्होंने आंखें मूंद कर जैसे उदासीन है
बोलकर माया से टू रिमेन अनटच्ड फ्रॉम माया। भगवान माया का परे वस्तु है। हरिर् ही निर्गुणो साक्षात पुरुष प्रकृति परे। हरिर् ही निर्गुणो साक्षात पुरुष प्रकृति परे। सर्वद्रिक उपदृष्टा तम भजनो निर्गुणो भवे। भगवान निर्गुण है, भगवान का भक्त भी निर्गुण होता है। ये जो पंचीकरण का विषय में हमने बताया, शिष्य निर्माण में कैसे सहयोग किया, कैसे भगवान ने स्वयं चित शक्ति रूप संभोग रूप जोग माया जोग निद्रा में जोग निद्रा में रथ हो गया, कैसे इसका तात्पर्य जो तात्पर्य इसका तात्पर्य ये है, जे भगवान मायाधक्षे न प्रकृति स्वयते चराचरम। आप सुने होंगे गीता में बार बार बताया, जे महाविष्णु का बारे में हमने बताया और गर्भोदक के सही विष्णु क्षीरोदक के सार विष्णु किसी का साथ माया का कोई संयोग नहीं है, माया का साथ कोई संयोग नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो गीता का इस श्लोक को उठाकर तात्पर्य जो समझने का कोशिश करे, मायाध्यक्षेन प्रकृति स्वयति चराचर। गीता का तात्पर्य ये है, एट ऑल आदौ चित शक्ति छाया रूपा माया शक्ति, ध्यान दे ये जो गीता का वाक्य है मायाध्यक्षेन प्रकृति स्वयति चराचरम, ये गीता का तात्पर्य ये है कि एट ऑल पहले आदौ चित शक्ति का जो छाया रूपा माया पहले तो निश्चला था, निश्चला थी, क्योंकि महाप्रभु जी ने बताया ये प्रकृति छाया रूपा जो माया, ये जो प्रकृति है इट इज ये क्या है, ये निश्चल है, ये इनएक्टिव है, ये मैटर है। आई बात समझ में, ये जो प्रकृति है अजगल स्थान, इसका कुछ नहीं है, इनर्ट है, निश्चल। एवं इनके उपादान अंशगत द्रव्य समूह पृथक पृथक असंयुक्त थे, असंयुक्त पहले था, नॉट रिलेटेड टू इच अदर, हार्मोनाइज नहीं था कुछ। कृष्णों का इच्छा के द्वारा महाविष्णु का विक्रम पावर के द्वारा यही माया का निमित्तांश जो मायाधक्षेन प्रकृति स्वयति चराचरम अपना दृष्टि दिया, जे जितना जीव पूर्व कल्प में इनके अंदर में अपना संस्कार लेके विद्यमान है, सारे के सारे माया का गर्भ में अपना दृष्टि के द्वारा संचारित कर दी। कृष्ण के इच्छा अर्थात महाविष्णु का विक्रम के द्वारा माया का निमित्तांश और उपादान अंशो संयोजित होके कार्य रूपी जगत सृष्टि हुआ। मतलब विज्ञान में जिसको कॉज एंड इफेक्ट बोला जाता है। कृष्ण का इच्छा के द्वारा प्रेरित, श्री कृष्ण के इच्छा के द्वारा प्रेरित होकर महाविष्णु का विक्रम के द्वारा ये माया का निमित्तांश और उपादानांश संयोजित होके कार्य रूपी कॉज से इफेक्ट कार्य रूपी जगत का उत्पत्ति भाई, अनंत ब्रह्मांड अनगिनत। फिर भी
इतना कुछ करने का बावजूद भगवान स्वयं तत्संबंध में चित्त शक्ति निद्रा युक्त रह गया। भगवान डायरेक्टली इसका साथ संयोग नहीं है, इसलिए इतना काम करने का बावजूद भगवान स्वयं तत्संबंध में अर्थात माया के संबंध में इंटरेस्टेड नहीं है। स्वयं तत्संबंध में चित्त शक्ति निद्रा युक्त हो गया। भगवान ने आंखें मूंद कर जोग माया चित्त शक्ति जोग निद्रा युक्त होके विराजमान रहते हैं। यहां जो जोग निद्रा व जोग माया, यहां जोग निद्रा व जोग माया शब्द में क्या समझे, ये बात, ये जो बार बार जोग माया जोग निद्रा, ये तो इसके द्वारा क्या समझे, माने जोग जोग निद्रा व जोग माया का शब्दों में ये समझना जरूरी है कि चित्त शक्ति का स्वभाव प्रकाशमय, चित्त शक्ति का स्वभाव प्रकाशमय, किंतु चित्त शक्ति का स्वभाव प्रकाशमय किंतु इनके छाया का स्वभाव जरोतममय। आई बात समझ, जोग निद्रा व जोग माया ये शब्दों के द्वारा क्या समझा जाए, ना चित्त शक्ति का स्वभाव प्रकाशमय, चित्त शक्ति का स्वभाव प्रकाशमय किंतु इनके छाया का स्वभाव जड़ोतममय है। इनके जो छाया है इसका स्वभाव जड़ोतममय, किंतु चित्त शक्ति का स्वभाव प्रकाशमय जो है वो जड़ोतममय नहीं है। चित्त शक्ति का स्वभाव प्रकाशमय इसके द्वारा जोग निद्रा जोग माया सब, लेकिन इनके जो छाया स्वभाव है ये जड़ो तममय है। कृष्णो जब जड़ो तममय व्यापार ध्यान दे, भगवान श्री कृष्ण जब जड़ो तममय कुछ विशेष विषय प्रकाश करने का इच्छा प्रकट करते हैं, प्रपंच आदि, ये तो जो रजस्तम विषय है। कृष्ण जब जड़ोतममय व्यापार का कुछ चीज प्रकाश करने का इच्छा प्रकट करता है, तब सियो चित्त शक्ति का विक्रम को तो अपना जो सियो चित्त शक्ति का विक्रम प्रभाव ये निश्चला छाया रूपा माया के साथ जोग करके अपना कार्य को साधन करता है, अपना काम को हासिल करता है, इसी का नाम है जोगमय। क्या बोला, कृष्णो जब इच्छा प्रकाश करता है कि मैं कुछ जड़ोतममय कुछ विशेष विषय प्रकाश करने का इच्छा जब भगवान का होता है, तब सीओ चित अपना जो चित शक्ति का विक्रम पावर को ये निश्चला छाया रूपा माया में जोग करने के बाद अपना कार्य को हासिल करता है, इसका नाम जोगमय। इसमें दो प्रकार का रियलाइजेशन हो सकता, इसमें दो प्रकार का प्रतीति अनुभव हो सकता है, एक वैकुंठनिष्ठ प्रतीति, एक है जड़ोतमनिष्ठ प्रतीति। कृष्णो भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण का सांश और शुद्ध विभिन्नांश ध्यान दे, श्री कृष्ण का सांश और विष्णु तत्व जो है, कृष्ण का सांश और विशुद्ध विभिन्नांश मतलब जिन लोगों का विशुद्ध विभिन्नांश मतलब जीव, विशुद्ध विभिन्नांश जीव मतलब इन लोगों के साथ माया का कोई टच नहीं है, इसलिए विशुद्ध विभिन्नांश। क्या बताया, भगवान श्री कृष्ण स्वयं कृष्ण का सांश और शुद्ध विभिन्नांश जीव सकल, वही कार्यों में
वैकुंठनिष्ठ प्रतीति अनुभव करता है, क्योंकि लोगों के साथ माया का कोई संबंध नहीं। और जड़बद्ध जीवगण, जितना सारे जड़बद्ध जीव है, वही कार्य में जड़तमनिष्ठ प्रतीति अनुभव करते हैं। जड़बद्ध जीवों का अनुभव क्रिया, जड़बद्ध जीवों का अनुभव क्रिया में चिद अनुभव का जो आवरण, जड़बद्ध जीवों का अनुभव क्रिया में चिद अनुभव का जो आवरण है, ध्यान दे, जड़बद्ध जीवों का अनुभव क्रिया, जड़बद्ध जीवों का अनुभव क्रिया में, जड़बद्ध जीवों का अनुभव क्रिया में चिद अनुभव का जो आवरण है, जड़बद्ध जीवों का अनुभव क्रिया में चिद अनुभव का जो आवरण है, इसी का नाम है योग निद्रा, इसी का नाम है योग निद्रा। ये भी भगवत चित्त शक्ति का प्रभाव है। ये भी भगवत चित्त शक्ति का प्रभाव है। यही तत्व बाद में विस्तृत रूप में चर्चा किया जाएगा, अभी नहीं। जीव गोस्वामी पाद जी ने टीका में लिखा है, जो तात्पर्य बताया वही तात्पर्य है, लेकिन टीका में लिखा है, अथा असंख्यो जीवात्मकस्य समष्टि जीवस्य प्रबदम वक्तुम पुनः कारणर्नो निधि शायिनोस स्थितियो स्कंदो उक्तानुसारिणीम सृष्टि क्रियाम विवृत्ति आहो तत्यानि इति त्रयेन अत्रो द्वयम् आहो मायाया सशक्त्या परस्परं तत्यानि योजयन् इति योजनांतरम् एव निरीहतया योग निद्राम् एव स्वीकृतो बान इति अर्थो। ये प्रपंचों में पंचीकरण परस्पर तत्वों को मिलित करके अनंत ब्रह्मांडों को सृष्टि करने का सहयोग करके खुद अपने आप योग निद्रा को स्वीकार किया भगवान। भगवान डायरेक्टली इस सब चीज में जोड़ना नहीं चाहता है। आमी तो जगते बसी जगत आमाते, भगवान ने बोला, आमी तो जगते बसी जगत आमाते, नामी जगते बसी न जगत प्रविष्टान्न प्रविष्टान्न, याद है ना चतुश्लोकी भागवत में चैतन्य चैतन्य सुंदर बताया, आमी तो जगते बसी जगत आमाते, पहले बताया हम तो जगत में बैठे हुए रहते हैं आ जगत हम में, बाद में बताया नामी जगते बसी न जगत आमाते। अब क्या समझोगे, पहले बताया आमी तो जगत वशी जगत हम, मैं जगत में हूं जगत हम में है, बाद में बताया ना तो जगत वशी ना जगत हम आते, मैं जगत का अंदर नहीं हूं, जगत में मेरा अंदर में नहीं है, एक अलौकिक शक्ति है अचिंत शक्ति के द्वारा मैं ये सब क्रियाकर्म करते हुए भी निष्प्रिय हो अनटच्ड रहता हूं। ये बड़ा अजीब सा चीज है, आश्चर्य चीज है। फिर भगवान जीव को सही बात ये बताया, ठीक है। और 20 नंबर श्लोक में आगे चलकर बता रहे हैं, जो जयित्वातु त्वानि एव प्रविवेश स्वयं गुहाम गुहाम प्रविष्टे तस्मिंस्तु जीवात्मा प्रतिबुद्धते। ध्यान दे, जिन लोगों का भजन में
अनन्य निष्ठा है। ये लोग छोड़ के बाहर का आदमी ये सब चीज समझे समझनी स्वयं मुश्किल है। जो भगवान को जानना चाहता है वो तत्व ज्ञान भी जान लेगा, पढ़ाई लिखाई के ऊपर ही डिपेंड नहीं है। कितना सारे बिना पढ़ाई लिखे सब समझ गए। यहां बताया गया नेक्स्ट श्लोक में जो जो इत्वा तू तानी एव प्रविवेश स्वयं गुहम गुहां प्रविष्टे तस्मिं स्तु जीवात्मा प्रतिबुद्धते। माने क्या है, पहले जो बताया था सारे अलग अलग सा जो तत्व का जो हार्मोनाइज करना, ये हार्मोनाइज करके अनंत ब्रह्मांडों का प्रकाश करने का बाद स्वयं गुहाए अर्थात प्रत्येक विराट विग्रह का अंतस्थल में प्रविष्ट होते हैं। आई बात समझ में, जो जो पृथक पृथक तत्वों का हार्मोनाइज करने का सहयोग करने का व्यवस्था की अनंत माइक अनंत माइक ब्रह्मांडों प्रकाश करने का बाद स्वयं गुहायो अर्थात प्रत्येक विराट विग्रह का अंतस्थल में प्रविष्ट हो गया। उस समय पहले वाला जो प्रलयकालीन पहले वाला समय में पूर्व कल्प में प्रलयकालीन निद्रागत जीव समूह जो जीव सब निद्रागत जीव समूह, निद्रागत मतलब सो रहा है ये मालूम होता है, लेकिन इसका असली माने ये है पूर्व कल्प का तमाम अनगिनत जीव अपना अपना कर्मफल का लेकर कर्मफल लेकर जो महाविष्णु का अंदर में प्रविष्ट होकर वो पड़ा रहता है। इसका नाम दिया है निद्रागत। मानो कि एक आदमी रात को सो जाता है, सोने का बाद कुछ याद नहीं रहता, सुबह में उठे तो जागृत हो जाता है। तो ये जो पहले वाला प्रलय में एक कल्पों का बाद प्रलय का बाद तमाम जीव अपना अपना संस्कार लेकर महाविष्णु का अर्मन अंदर में प्रतीक्षमान है। दे फील लाइक ये क्या कहे इसको, निद्रा का तो बोलने से अच्छा है, कुछ याद नहीं रहता लेकिन जीवित है लेकिन सब अंदर में है, जैसे कि नींद में खोया हुआ है। लेकिन अनंत माइक ब्रह्मांड उपकाश का तो स्वयं गुहाय अर्थात प्रत्येक विराट विग्रह का अंदर में प्रविष्ट होने का बाद पहले वाला जो प्रलयकालीन निद्रागत तो जीव समूह प्रतिबुद्ध अर्थात जागृत हो गया। क्योंकि अभी सृष्टि में ये लोगों का जो जीव है इन लोगों का भी फंक्शन है ना। चित्कन जीव अगर जगत में बिल्कुल नहीं रहे तो कुछ मैटर पर रहेगा क्या काम। चित्कन जीव अगर जगत में नहीं है तो ये प्रपंच का क्या माने है, कुछ मीनिंग नहीं है। ये प्रपंच का कोई माने नहीं। चिन्मय जीव है और चिन्मय जीव हर वस्तु में प्रविष्ट है, इसलिए मीनिंगफुल होता है, इसलिए मीनिंगफुल हो जाता है, नहीं तो सब क्या काम है।
जैसे महाप्रभु जी ने बताया, एक लोहे का खंड को आग में बहुत क्षण रखने का बाद ये आग का प्रॉपर्टी ले लेता है। आग का जो गर्म है, गुनगुना है, ये सारे अब दिखने में लाल जैसा सोने का सब पकड़ लेता है। लेकिन लोहे का अंदर में तो आग होना नहीं चाहिए, वो क्या करे, लोहे खंडों को आग में रखने का बाद ये तदात्मता प्राप्त हुआ है। ठीक सिमिलरली हर चिन्मय जीवात्मा जब एक एक वस्तु में प्रविष्ट हो, जैसे हमारा शरीर में चिन्मय आत्मा, तो हमारा शरीर मीनिंगफुल हो गया, तदात्मता प्राप्त हुई है। चिन्मय आत्मा का जो चिन्मय भाव है और जीवात्मा पूर्व कर्म फल अनुसार जो विषय में पड़ा हुआ है, ये चिन्मय आत्मा रहने का कारण इसका चित भाव का तदात्मता प्राप्त होकर जब भी मेरा शरीर पांच भौतिक है, फिर भी तन्मयता प्राप्त होकर मैं शरीर को ही मैं और मेरा समझ के बैठा है। आई बात समझ में? यहां ये जो गुहा 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 बार बार बोला, ये शब्दों को जो जो इत्वा तु तानिएव प्रविवेश स्वयं गुहाम गुहात प्रविष्टे तस्मिंस्तु जीवात्मा प्रतिबुद्धते। ये जो गुहा है, ये गुहा शब्दों में सीक्रेट भी होता है, बहुत सारे माने होता है, जहां जो अर्थ लगता है वही लगाना पड़ेगा। शास्त्र में बहुत जगह शास्त्र में बहु जगह ये गुहा शब्दों अलग अलग सा किया। किसी जगह अप्रकट लीला को गुहा बोला, कभी कभी बैष्टि अंतर्यामी स्थान को गुहा बताया, कभी कभी प्रति जीवों का हृदय विवर को, हर जीवों का हृदय में जो गुप्त स्थान है इसको गुहा बताया गया। मूल विचार ये है, इन जनरल जो रहस्यमय है, अप्रकाशित है, इसको गुहा। जीवात्मा अर्थात पूर्व कल्पों में जो सब जीव महाप्रलय में ब्रह्मा का जीवन अवसान में हरि में लय प्राप्त होके पड़ा हुआ था, इतना दिन तक निद्रा में पड़ा हुआ था, ये लोग पूर्व पूर्व संस्कार का अनुसार, ये लोग पूर्व कर्म वासना का अनुसार पुनः पुनः जगत में एक एक शरीर लेके प्रकाशित हो जाता है। शरीर अगर ना पकड़े तो कर्मफल कौन भोगेगा? इसीलिए एक एक करके कर्मफल अनुसार कोई जानवर बन के प्रकट, कोई सांप हो गया, कोई घोड़े हो, कुछ इन आदमी बन गया, कोई देवता बन गया, अपना अपना कर्म फल का अनुसार होता है, पूर्व पूर्व कर्म फल का अनुसार अपना अपना एक शरीर पकड़ कर इस जगत में प्रकटित हो गया। बड़ा आश्चर्य चीज है, इस जगत में प्रकटित हो गया। अब फिर ये अपना कर्म फल करते चाहे, कर्म करे कर्म करे, कर्मों का फल मिले, और फिर शरीर छोड़ने के बाद फिर देखे जाए। इसलिए कल हम इस विषय पर और चर्चा करेंगे, जे एक कल्प अवसान में कैसे एक जीवात्मा, अनगिनत जीवात्मा सब अपना अपना कर्म फल के अनुसार माँ विष्णु का नर में निद्रा जैसा भाव लेकर पड़ा हुआ रहता है, फिर प्रपंच सृष्टि का समय आए तो भगवान का आंखों का दृष्टि के द्वारा तमाम जीवों को प्रकृति का गर्भ में संचारित
कर देता है, संचारित कर देता है। अब ये प्रकृति का अंदर में चित्कन आने के बाद चित वस्तु जैसे लोहे का खंड का साथ तुलना दिया, आंख का गुणावली और धर्म सब कुछ जो है प्रॉपर्टी है सारे तदात्मता प्राप्त हुआ। ऐसा मैटर का अंदर में हमारा शरीर मैटर है, खिति अपोतेज मरुद्भम, ये एक मैटर है, कुछ नहीं है। इसका अंदर में आत्मा होने का कारण, आत्मा उपस्थित होने का कारण जीवात्मा, वो हमारा शरीर इनके साथ एक तदात्मता प्राप्त होकर ईच एंड एवरी लिम्स सेंस ऑर्गन और सब कुछ अपना प्रभाव को स्थापन करता है, अपना प्रभाव को दिखा रहा है ना। और लगता है कि हमारा शरीर ही सब कुछ है, ऐसा हो गया तदात्मता प्राप्त हो गया कि ये शरीर को ही मैं और मेरा, ये अपना रुपया पैसा जमीन जायदाद मकान वारी कामिनी कांचन जो कुछ भी है सब मैं और मेरा इस संबंध के साथ जोड़ के जीवों को विषय में डुबा देता है, विषय में डुबा देता है। उसका बाहर और कुछ रास्ता नहीं है। जो भी है यहाँ तक आज का चर्चा का विश्राम दे, यद्यपि ये गंभीर विचार है, धीरे धीरे तन मन लगाकर सुनने से जरूर समझ में आएगा। विमोही तो अयम जनो ईश माया तदीयया त्वम न भजति ही अनर्थद्रिक सुखायो दुखो प्रभवेश सज्जते गृहेश जशित पुरुषस्य वंचिता वांछकल्पतरुष्य कृपा सिंधु पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमः।